पश्चिम बंगाल में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने सीआरपीएफ को लेकर ममता बनर्जी के सवालों पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि यह वही ममता है जिसने कभी सीआरपीएफ की काफी तारीफ की थी, क्योंकि उस समय ममता को सीआरपीएफ की जरूरत थी, लेकिन अब ममता बनर्जी को चुनाव में हार का डर सता रहा है और इसलिए सीआरपीएफ के खिलाफ बयानबाजी कर रही है। इसके साथ ही सिलीगुड़ी के बागडोगरा में पत्रकारों से बात करते हुए दिलीप घोष ने कहा है कि बंगाल में बीजेपी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को हर हाल में पूरा करेगी। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम बड़े नेता इस समय बंगाल में चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। 2 मई के बाद दीदी का जाना निश्चित है। देखिए, टीएमसी की अभी स्थिति इतनी हो गई कि यहाँ तो उतर गए हैं। जिस सेंट्रल फोर्स को लेकर उन्होंने दो दो बार चुनाव जीता, 3 बार 4 बार जीता, उस समय इनकी बहुत जरूरत थी। आज सेंट्रल फोर्स से डर रही, जबकि बंगाल के लोग सेंट्रल फोर्स के लेकर खुश हैं। सेंट्रल फोर्स कदम रखते ही बंगाल में यहाँ की महिलाएं जाके उनको फूल से और आरती उतारी, पुष्पवृष्टि की। तो ये चुनाव से इतना डर चुके हैं टीएमसी वाले, तो इस प्रकार ना सिर्फ बात